बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। तसव्वुफ़ की दुनिया के तहत सोहबत बाउलिया में जो तरतीब बार हमारा सिलसिला चल रहा है कि सिलसिला चिश्तिया साबरिया के जो अकाबिर हैं उनका तज़किरा हो रहा है और ज़ाहिर है कि ऊपर से सिलसिला चलते चलते तो मेरे पीर मुर्शद हुस्नुल औलिया इमामुल अत्किया अब्बा जी हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा है जी। तो तरतीब के एतबार से आज जो है हज़रत अब्बा जी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा होना था जी। लेकिन उनकी निस्बत से अभी एक वाक़या ऐसा पेश आया है जिसकी वजह से हम जो उस चीज़ का ज़िक्र करेंगे और ज़ाहिर है कि वो वाक़या ये कि अब्बा जी शहीद रहमतुल्लाह अलैह यानी मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ लुधियानवी क़ुद्दस सिर्रहू की बड़ी भाभी जान का जो है इंतकाल हुआ है पीर के दिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन 5 दिसंबर सन 2022 बरोज़ पीर। अरे पीर का दिन खुद इरसल एक मुबारक दिन है वफ़ात के एतबार से जी। तो उनका चूँकि इंतकाल हुआ, अब उनके हवाले से कुछ मैं चाहता हूँ कुछ तज़किरा करना चाहता हूँ, इसलिए हुस्नुल औलिया हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा आइंदा करेंगे। लेकिन उनकी निस्बत से चूँकि उनकी बड़ी भाभी साहिबा हैं और हमारी ताई जान या मेरी अहलिया की ताई जान तो हम बिहारी भी ताई जान हुई, तो उनका इंतकाल हुआ है और वो माशाल्लाह 95 ईयर 95 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। गोया कि एक पूरी सदी है जो उन्होंने गुजारी। तो और वो इस अपनी ज़ात के अंदर गोया कि एक दरसगाह थी। हालांकि आप जानते हैं कि हमारी पुरानी जो है बूढ़ी औरतें वो आम रस्मी तालीम से तो वाकिफ़ नहीं होती थी, लेकिन अल्लाह ने उनके अंदर ऐसा मलका रखा होता था कि बड़े बड़े पढ़े लिखे जो है अपनी ज़िंदगी खतूत उनसे तय करते थे। यही वजह है कि औलादों की उनकी तरबियत से पता चलता है कि ये अजीब लोग हैं कि बज़ाहिर रस्मी तालीम स्कूल कॉलेज की नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा मलका है इल्म व मार्फत का कि जिसका जो है वो रंग उनकी औलादों के अंदर माहौल और मुआशरे के अंदर नज़र आता है। तो ये जो है वो हज़रत लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बड़े भाई चौधरी अब्दुल बारी साहब रहमतुल्लाह अलैह उनकी अहलियाँ हैं। अच्छा। क्योंकि हज़रत के जो है ये कुल ये 4 भाई हैं। एक बड़े भाई चौधरी अब्दुल बारी हैं और उसके बाद जो है ख़ुद अब्बा जी शहीद हैं मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ लुधियानवी, उनके बाद जो चौधरी अब्दुल सत्तार हैं और उनके बाद जो चौधरी अब्दुल गनी। तो ये हजरात हैं। तो चौधरी अब्दुल बारी जो हैं ये अपने वालिद यानी चौधरी अल्लाह बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद, क्योंकि चौधरी अल्लाह बख्श साहब जो है वो गाँव के नंबरदार थे। अच्छा। और ये जो गाँव है ये जो है वो चक नंबर 335 WB मेलसी ज़िला विहाड़ी। अच्छा। ये पेंती चक के नाम से मशहूर है, बल्कि उसको मौलविया दी भैणी भी कहते हैं। अच्छा। हाँ, मौलविया दी भैणी मौलविया दो खू, तो इस नाम से पंजाबी मशहूर है क्योंकि ये सब जो अल्लाह वाले वहाँ पर रहते हैं, सब मौलवी हाफिज कारी, ये उनका नज़ारा है। तो वहाँ जो ये चौधरी अब्दुल बारी जो है वो फिर अपने चौधरी अल्लाह बख्श साहब के बाद वो वहाँ के नंबरदार थे। तो उनकी अहलियाँ हैं ये। अच्छा। इनका नाम हमीदा बीबी इनका नाम है, बाकी नाम भी हमीदा है और काबिल हमद हैं, यानी यानी तारीफ़ के काबिल हैं। यानी मैंने बताया कि बड़े औसाफ और कमालात अल्लाह ने अता किए थे। और अजीब बात यह है कि मैं तो देखा इन हजरात को कि ये चारों भाई जो हैं ये औसाफ व कमालात के मुरक्का थे। मौलाना यूसुफ़ लुधियानवी शहीद उनके बड़े भाई, फिर उनके बाकी दोनों छोटे भाई, वो खुद इरसल बड़े जो है उनके अंदर इनकी सारी तवाज़ो और अजीब खूबी और कमालात। अल्लाह ने बीवियाँ भी उनको ऐसी वाकमाल अता की। खुद अब्बा शहीद रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया ये मेरी सास अम्मी जो हैं माशा उनके अपने कमालात और साफ, उनकी इंतज़ामी ताकत, उनकी तरबियत का अंदाज़ और उनकी घरेलू निगरानी और मेहमान नवाजी वो दीद नहीं होती थी। और इसी तरीके से हर भाई की बीवी जो है वो उसके अंदर एक मुनफरद अंदाज़ के कमालात मौजूद थे। तो मुझे बड़ी हैरानी होती थी और वो कुरान करीम में आयत है ना, अत्तय्यिबात लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात, कि पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए। वो नज़ारा अमली मुझे नज़र आता था। ज़ाहिर रिश्तेदारी होने के बाद जो है अब्बा शहीद मुझे जो है वो पेंती चक लेकर गए, क्योंकि उनका आबाई गांव है। तो वहाँ सब अजीज़ अकाबरी से मुलाकात भी करवाई और सबसे जल मेल मिलाप हुआ, उठना बैठना हुआ। तो जो नज़ारा देखा तो वाकई इन चारों भाइयों के अंदर आपस की जो मोहब्बत उल्फत और इज़्ज़त एहतराम और तकरीम ये अजीब थी। और फिर ये जो उनकी बीवियाँ हैं उनके अंदर जो अपने औसाफ व कमालात थे। उनमें ये जो है ये बड़ी भाभी हैं अब्बाई शहीद रहमतुल्लाह अलैह की, तो इनमें बड़े अजीब व गरीब कमालात थे। मेहमान नवाजी उन पर ख़त्म थी, बल्कि लिखा है कि बताया कि चौधरी अल्लाह बख्श साहब जो इनके ससुर, तो उन्होंने जो है एक दिन पूछा कि अगर जो है कराची से मेहमान आए तो मेहमान नवाजी कैसे करोगी। इन मुराद मौलाना यूसुफ लुधियानवी और उनके ख़ानदान के लोग आए तो फरमाया कि बकरे दो चार बकरे डाल देंगे, बकरे ज़िबा करेंगे जनाब उनकी तकरीब में। उनके अच्छा। फिर पूछा जी अगर लाहौर से या टोबे से जो है वो मेहमान आए तो, फरमाया कि मुर्गियाँ अंडे बहुत ने, मुर्गियाँ जनाब जब पेश कर देंगे कट के। अच्छा कहता अगर यहाँ लोकल ही कोई मेहमान आए तो, कहता फिर गारे जो कुछ हाजिर है वही पेश कर देंगे। अच्छा फिर मतलब वो लेवल। और वाकई ज़िंदगी में करके दिखाया कि अब्बा शहीद रहमतुल्लाह अलैह गाँव आते थे, बस जो है वो ताई जान ने हुक्म देना बकरे हटा दो भाई। यार अब्बा जी के साथ काफिला होता तो उलमा सुलह साथ होते थे या बकरे हटा दो। और फरमाया करती थी अपने बच्चों को कि ये बहुत बड़ी सआदत है कि उलमा और सुलह की जो है वो मेहमान नवाजी का मौका मिल रहा है, ख़ासतौर पे मेहमान आ रहे हैं और मेहमानों की खिदमत का मौका मिल रहा है। ये कोई अल्लाह की कोई कम रहमत नहीं है। ऐसा उनका वसी दिल। तो इस तरीके से उन्होंने जब ज़िंदगी गुजारी। और ख़ुद फरमाया करती थी कि मैं जब जो है बच्चों से कहती थी कि तुम्हारे दादा जानिए चौधरी अल्लाह बख्श को देखती थी और मौलाना यूसुफ साहब को देखती थी ना, तो दिल में तमन्ना करती थी काश मुझे भी अल्लाह इस किस्म के लोग अता करे, मतलब मेरी औलादों में ऐसे लोग पैदा करें। और अल्लाह ने वाकई उनकी औलादों में ऐसे लोग पैदा किए कि उनके पोते पोतियाँ बेटे सारे हाफिज और आलिम बने। यानी उनके जो है वो 6 बेटे थे, उनमें सारे तकरीबन हाफिज हैं। और एक बेटे तो उनका तो जवानी में इंतकाल हो गया, मौलाना हाफिज मुफ्ती हफीजुर रहमान, तो वो हाफिज भी हैं, आलिम भी हैं, मुफ्ती भी। और उसके बाद जो उसकी जो बड़े बेटे हैं चौधरी अब्दुल सलाम साहब जो इस वक्त जो नंबरदार हैं गांव के। अच्छा। चौधरी अब्दुल सलाम तो वो हाफिज़ कुरान है। उनके बाद दूसरे बेटे जो है वो डॉक्टर अब्दुल रहमान, वो भी हाफिज़ कुरान है। फिर उसके बाद के बेटे मौलाना अताउर रहमान, वो आलिम दीन है, वो जो है वो दारुल उलूम जहानिया मंडी से फारिग़ तहसील। फिर मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान जो उनके जो है वो छोटे बेटे, ये मेरे हमजुलबी हैं। अच्छा। मौलाना हबीबुर रहमान मेरे हमजुलबी हैं और ये हज़रत लुधियानवी शरीफ रहमतुल्लाह अलैह के भतीजे हैं जी, मेरे हमजुल्फ भी हैं। और मज़े की बात मेरी तरफ से उनको इजाज़त खिलाफत भी है। अच्छा। हाँ उनको जी इजाज़त बैत भी मैंने दे रखी है। तो पहले मैंने उनको इजाज़त बैत दी, फिर उसकी तजदीद जो मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने की। अच्छा। फिर उसकी तजदीद जो है वो हज़रत शाह नफीस अल-हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने की। अच्छा। तो ये उनको जो है वो मेरी तरफ से इजाज़त हासिल है। तो मौलाना हबीबुर रहमान बड़े बासलाहियत नौजवान हैं और अल्लाह ने बड़ी उनको खूबियाँ और निस्बत अता कर रखी हैं। तो मतलब है कि ये इस अंदाज से ये जो है अल्लाह ने फिर ये ताई जान की औलाद के अंदर उलमा और सुलह पैदा किए और ये मुफ्ती आलिम पैदा किए, जो वो एक तमन्ना और दुआ और फिर इनकी तरबियत और निगरानी, उसके नतीजे में जो बच्चों ने तरक्की की। फिर ये कि पोते पोतियाँ माशाल्लाह सारी हाफिज हैं, आलिम हैं। 6 पोते हाफिज, 8 पोतियाँ हाफिज और 4 पोते आलिम, 4 पोतियाँ आलिमात। तो मतलब है कि इल्म व फजल का, यानी एक गांव के अंदर इल्म व फजल का गहवारा बन गया। अल्लाह। ऐसा ये सिर्फ कहते हैं ना माँ की वो तरबियत और वो नज़र। और मज़े की बात यह है कि वो जब ये मौलाना हबीबुर रहमान साहब के रिश्ते की बात हुई, ये 1994 की बात है गालबन, तो कराची तशरीफ़ लाई रिश्ते के लिए। तो जब तशरीफ़ लाएँ तो कि भाई ये मेरी जो छोटी साली थी जो खदीजा लुधियानवी उनका नाम है, ये मौलाना हबीबुर रहमान साहब की अहलिया, उनके रिश्ते के लिए मांगने के लिए आई। तो मेरी अहलिया ने तायद की कि ठीक है कोई बात नहीं, देते तो रिश्ता। तो मुझ तक बात है तो मैंने भी तायद की कि बहुत अच्छा, बिल्कुल रिश्ता होना चाहिए है। मौलाना हबीबुर रहमान मुफ्ती हैं, आलिम हाफिज़ हैं, और क्या चाहिए। तो फिर अब्बाई शहीद के भतीजे हैं, तो मैंने भी पुरजोर तायद की। तो लिहाजा फ़ैसला हो गया, जबकि अहवाल ऐसे नहीं नज़र आ रहे थे, लेकिन रिश्ता जो है वो अब्बाई शहीद ने मंजूर कर लिया। अच्छा। तो तो जब ये वापस वो अपने गांव गई, पैंती चक गई, तो वहाँ जाकर कहने लगी कि मुफ्ती मुनीर जो है नर मर्द है, नर मर्द है। कहता है कि हालात पर गहरी नज़र रखता है और बारीक बीनी से चीज़ों को देखता है और जनाब बिल्कुल खरा और सच्चा फैसला करता है। कहता खरा आदमी है। हाँ, तो जनाब उससे ये फैसला किया और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने ये रिश्ता कर दिया। और फिर उस रिश्ते के बाद ज़रा शहीद की निस्बतें मिली, फिर बहुत बरकत मिली, बड़ी बरकत मिली। फिर उस ख़ानदान बड़ी रहमती हुई क्योंकि ज़रा बशीर रहमतुल्लाह अलैह के साथ एक ख़ास रिश्ता, पहला रिश्ता तो था ही, ये एक और रिश्ता कायम हुआ। तो फिर ये कि सब हजरात ने हज भी किए और फिर अनवारात और बरक़ात खूब होने लगी। तो ये अल्लाह की रहमत। तो मुझे फिर ये कि ये पता चला, मैंने ताज़ियत पैगाम के लिए कॉल की तो पता चला कि सारे अहबाब जो है वो गाँव के अंदर बहन भाई जमा है और अपनी अम्मा जान का जिक्र कर रहे हैं। तो यानी उसी वक्त इत्तेफाक से मेरी कॉल चली गई, तो उसमें ताज़ियती तौर पे मैं भी शामिल हो गया। तो उन्होंने बताया कि ये अम्मी जान जो हैं वो आपके रहम टीवी की बड़ी फ़ैन थी। अच्छा। तो मुझे बड़ी तवज्जो हुई। मैंने कहा अच्छा, गांव के अंदर बैठी है एक खातून जो है और जी इतनी उम्र है, 95 तक पहुंच गई हैं, लेकिन क्या फरमाया कि वो 4-4 घंटे आपका बयान सुनती रहती थी। अच्छा, माशाल्लाह। और सुनती थी और कहती थी कि मुझे बस वो लगा दो यूट्यूब पर ना, मुफ्ती मुनीर का, मौलाना मुनीर का बयान लगा दो। और फरमाते हैं कि बड़ी अच्छी बातें करता है, पंजाबी बड़ी चंगियाँ गल्ला करता है, सचियाँ गल्ला करता है, बड़ी चंगियाँ गल्ला करता है, सचियाँ गल्ला करता है। तो मैं हैरान कि भाई देखो ये कितनी गहरी नज़र से उन्होंने ये फैसला किया। और वाकई हम सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ बात करूँ तो ये सोचता हूँ दिल की इखलास से सच्ची बात करूँ और हिकमत के साथ हक बात बयान करूं। अमेरिका यूरोप की दुनिया में भले बैठा हूं, लेकिन आप लोग भी सुनते हैं कि हिकमत से हक बयान करता हूं। तो बाकी अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत और इज़्ज़त देने वाले। तो उन्होंने वही तज़किया किया। तो फरमाया कि बड़ी पाबंदी से सुनती थी। तो फिर यह कि वो मौलाना हबीबुर रहमान साहब के छोटे भाई हाफिज ज़कौर रहमान ने बताया कि हम खुद मुफ्ती साहब का रहम टीवी पाबंदी से सुनते हैं क्योंकि वो सवाल जवाब बड़े दिलचस्प होते हैं, उसमें सवाल जवाब, उसमें मालूमाती चीज़ें होती हैं, फिर उनका बयान जो है बड़ी जो गहराई के साथ चीज़ें समझ में आती हैं। तो यहाँ सब बड़े बच्चे पाबंदी से सुनते हैं और अम्मी को पता है कहते, और अम्मी जान भी कहती थी अभी मुफ्ती मुनीर बयान ला दो, बयान सुनते, और वो जनाब बैठी सुनती रहती कई घंटे और फिर किसी को बयान नहीं सुन पा मुफ्ती मुनीर का बयान। अच्छा, ये भी बड़ी हिकमत की बात है, ये सीखने की बात। ये बस एक किसी आलिम फाजिल के साथ अटैच हो जाए, उसको सुनो, फिर उसी को सुनो, उस पर अमल करो। बस आजकल लोगों को कान का भी चस्का लग गया है, यूट्यूब खोल लेते हैं, सारी दुनिया के मौलवियों को सुनते हैं और आखिर में क्या दिमाग में मलगूबा लेके बैठे होते हैं, फिर सच्चा कह रहा है तो झूठा कह रहा है, वो तो यूँ कह रहा है, वो तो यूँ कह रहा है। नतीजा क्या होता है, आप कहीं नहीं चल सकते। ज़ाहिर है कि रास्ते आप 10 बंदों से रास्ता पूछेंगे, 10 बंदे अपने तरीके से बताएंगे। लिहाजा एक बंदे को पहले चांद पटक के देख लो कि ये आदमी हक पर है, खुश अकीदा है, सही है, एतमाद पक्का हो गया, बस उस बंदे को सुनो और उस पर, क्योंकि अगर अमल करना है तो फिर आपको एक भी काफ़ी है, बस एक को सुन के आप चले। ठीक है ना। देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, असहाबी का नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानी थी, बेई मुख्तदी तुम एहतदी तुम, कहा इनमें से किसी एक की भी इख्तिदा कर लोगे हिदायत पा जाओगे। आपने ये नहीं कहा सारों को पकड़ लो, एक का जिक्र, इसका मतलब यह है बस एक को पकड़ लिया, जाना उसने वही है। नतीजा आज ये होता है कि वो जनाब बैठ के बस वो कान का चस्का सब की मालूमात लेते, सब की सुनते, नतीजा क्या होता है आखिर उनके पल्ले कुछ भी नहीं होता। तो मैंने कहा देखो वो खातून बज़ाहिर आम माहौल, आम रस्मी तालीम से जो है नावाकिफ़ हैं, लेकिन उसको भी ये फ़हम हासिल कर जब मुफ्ती मुनीर। बल्कि मुझे याद आ गया कि भाई शहीद के छोटे भाई चौधरी अब्दुल सत्तार साहब, वो जनाब कोई बात हुई गांव के अंदर, सब बैठे थे, कहते कोई बात हुई कि जी वो फ़लाँ को खिलाफत मिल गई, फ़लाँ पीर साहब आए हैं, फ़लाँ ने यूँ कहा। तो वो चौधरी अब्दुल साहब ने क्या कि भाई साढ़ा तो पीर मुफ्ती मुनीर है भाई। अच्छा। साढ़ा पीर मुफ्ती मुनीर है, भाई जी यानी मौलाना यूसुफ लुधियानवी साहब ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਰੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੁਫਤੀ ਮੁਨੀਰ ਪੀਰ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ अल्लाह ताला ने ठीक है एक निस्बत दी, अब्बा शहीद ने एतमाद किया, ख़ानदान के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो राय अमल दे दिया कि मुफ्ती मुनीर को मैंने दे दी खिलाफत इजाज़त, तो इसको लगा दिया रास्ते पे, भाई अब आगे तुम्हारा काम है फ़ायदा उठाना। तो मतलब चौधरी अब्दुल सत्तार साहब ने ये बात की। तो बहरहाल तो ये हमीदा बीबी हमारी ताई जान जो इनमें इस किस्म का जो फहम बहुत था, ये वजह कि बच्चों की तरबियत में उनके नज़र रखना, और कहा करती थी कि बच्चों को खाली ना रहने दो, बच्चों को किसी ना किसी काम में लगाए रखो। क्या बच्चों को खाली जब छोड़ दोगे बच्चे उसी वक्त जाना वो उल्टे सीधे कामों में पड़ेंगे, और ये बड़ी पते की बात है। और हमें याद है आज तक हमारे वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह भी हमें खाली नहीं बैठने देते थे। स्कूल से पढ़ के आए, खाना खाया, खाना खा के भी लेट जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो, कैलूला कर लो, लेट के उठ के बाद असर का वक्त हुआ, चलो मैदान में खेलने जाओ। खेल के वापस आए तो जनाब वो टीचर बैठा होता था, वो हमारी खुशखती सिखाता था, फरमाते चलो तुम्हारे उस्ताद आ गया, खुशखती के लिखने बैठ जाओ। अब खुदकशी लिखने बैठ गए। वहाँ से जैसे फारूक हुए तो अम्मा ने जनाब खाना लगा दिया, खाना खाओ। खाना खाया, खाना खा के जब थोड़ा सा टहल दौड़ लो, तलबा से टहले दौड़ी मदरसे में, वापस आए, अम्मा ने कहा चलो ये मुसल्ला बिछा दिया, होमवर्क करो स्कूल का। काम किया, काम करने के बाद एक एक डोंगा, मुझे आज तक याद है वो दूध जो है ना, वो दूध के अंदर वो लाल बोतल, सोडे की लाल बोतल डाल के बर्फ़, वो आज तक मुंह में पानी आता है। वो लाल बोतल का ज़माना ही ख़त्म हो गया। वो लाल बोतल डाल के वो एक एक डोंगा दूध पिलाना, कहा कि चलो बिस्तर में लंबी हो जाओ। फारग ही नहीं रहने दिया, भले खेल में लगा दिया, वाले साहब ने चलो खेलने चले जाओ, लेकिन फारग नहीं बैठ। और आज उसका नफा नज़र आता है कि वाकई ये फारग जो है ना, वो खाना खाली है देवगीरत, जो जगह खाली होती वहीं जिन्नात आते हैं, वहीं जैन भूत आके बैठ के डेरा। आज बच्चे जो फारग हैं, जब फारग हैं तो भाई उनके पास सेलून, उसके ऊपर बैठे, फिर वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचते। तो ये जो है ये कहती थी कि भाई वो बच्चों को खाली ना बैठने दो, उनको कुछ ना कुछ काम में लगाए रखो, ये करो वो करो, ये करो वो करो। नतीजा क्या होता है, और ये वजह हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने भी लिखा है कि बच्चों की घर के अंदर ड्यूटियाँ लगा दो, एक को चाबियों की जिम्मेदारी लगा दो, क्योंकि तो सारे तालों की चाबियों की जिम्मेदार तू है। एक को कहो ये शरात को खिड़कियाँ दरवाजे बंद करना तेरी ड्यूटी है, एक को कह दो जी नीचे बर्तन बर्तन ज़मीन पे इधर उधर जो पड़े हैं उनमें किचन में पहुँचाना तुम्हारा काम है, एक को कह दे कोई सफाई सुथराई गंदा है वो सफाई करना तेरा काम है, एक को कहते मेन दरवाज़ा देखना चेक करना तेरा काम। तो मतलब ड्यूटियाँ बांट दो बच्चों में। तो फरमाया कि हर बच्चा अपने काम में लगा रहेगा, जब उसमें कोई मिस्टेक उसी बच्चे को पूछो ये मेन दरवाज़ा बंद क्यों नहीं हुआ है, तेरा काम सी। वो यूँ नहीं कह सकते अच्छा मेरा काम सी, ओ भाई ने नहीं किया, भैन ने नहीं किया, नहीं। तो ये बुज़ुर्गों की बात कितनी पते की है। और आज हमने सारी ड्यूटियाँ अम्मा अब्बा ने ले रखी है, अब्बा ही दरवाज़ा बंद करे, अम्मा ही बर्तन चखे, अम्मा ही झाड़ू दे, बच्चे फारग। तो मतलब इस अंदाज से तो जो है वो ताई जान के अंदर अल्लाह ने ये खूबियाँ रखी। फिर सौम व सलात की पाबंद, और फिर जो है अल्लाह ताला ने ऐसा कुरान के साथ शगल रखा था, कुरान करीम की तिलावत सुनना, और ऐसी पुरसादत मौत आई कि उस वक़्त में जिस वक़्त उन ये मौत की हिचकी आई तो पोते पोतियाँ पास बैठे सूरह यासीन पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत हो रही थी। हैं तो 5-6 पोते पोतियाँ और जनाब उनके बेटे, वो कुरान करीम की तिलावत हो रही है और वो कुरान सुन रही हैं, और सुनते सुनते एकदम उन्होंने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, गर्दन डल गई, वाज़े कलमा यानी नसीब हुआ। वो हदीस में आता मन कान आखिर कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल जन्नत, जन्नत में दाखिल हो गया। तो इसलिए ताई जान जो है उनको अल्लाह ताला ने ये बड़े मनाक़िब फ़ज़ाइल अता कर रखे थे। और चूँकि हज़रत मौलाना यूसुफ़ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी भाभी जान, तो मैं सोचा आज उनका तज़किरा करते हैं, क्योंकि ये ऐसी औलिया कामिलीन ख़वातीन जो है वो अब कहाँ रही हैं, जिनका फोकस जो है आखरत और दीन की तालीम। ये बच्चे जो है उन्होंने आज उनके अपने बेटे जो है वो सब हाफिज़, बेटियाँ जो है वो माशाल्लाह 6 बेटे और 3 बेटियाँ उनकी, फिर आगे पोते नवासे, ये सब दीन की तालीम के, दुनियावी तालीम भी साथ। तो आजकल इस चीज़ पे लोग फोकस नहीं करते कि कुरान करीम के हाफिज़ बनाएं बच्चों को, हाफिज़ा बजाएं बच्चियों को, दीन की तालीम दें, फिर दुनियावी तालीम तो साथ साथ चलती रहती है। फिर ये बच्चे इस काबिल होते हैं कि कल को जो है वो दुनिया से अगर चले जाएं तो वो बच्चे आपके लिए दुआ खैर करेंगे, आपके मगफरत की दुआ करेंगे, तो आपके लिए यादगार बनेंगे। तो वही बच्चे जो है आगे जो है वो मशररा बनते हैं। और फिर यह कि हज़रत की जो बेटी थी जो है, जो उनकी बहू, उनकी बड़ी कदर करती थी, बड़ी मोहब्बत, और फरमाती थी बाकी तो मेरी सारी बहुएँ हैं, ये खदीजा मेरी बेटी है। अच्छा। पंजाबी में कहती थी खदैजा, खदैजा मेरी बेटी है। अच्छा। ये बेटियों की तरह उनको जो है मंजूर नज़र रखती थी और कदर करती थी। तो कहा कि अब्बा शहीद रहमतुल्लाह ने इस रिश्ते को मंजूर किया उन्होंने भी आगे उसका हक अदा किया। तो इसलिए हमने आंखों से देखे ये अहवाल। तो इस तरीके से, और फिर इन सब भाइयों का आपस का जो ताल्लुक है ये बड़ा दीदनी था। मैं तो खुद देखा कि यानी इन भाइयों का आपस में एक दूसरे से मोहब्बत और तकरीम का रिश्ता ऐसा था जो आम तौर पे नज़र नहीं आता, वरना भाई भाइयों भी चपकलेशें नज़र आती हैं। लेकिन मैं हैरान हुआ ऐसे भाई ये कम ही मैंने देखे, और ऐसे बासाफ भाई। ये मैंने कि मुझे याद है कि जब ये ताई जान के जो हस्बैंड चौधरी अब्दुल बारी साहब की मौत की खबर आई थी टेलीफोन पे कराची में अब्बे शहीद, तो मैं सामने बैठा था तो और वहाँ फ़ोन पे बताया जा रहा था कि चौधरी अब्दुल बारी साहब का इंतकाल हो गया। तो हजरत के हाथ कांप गए और हजरत की कैफियत बदल गई। हाँ इतना घबराहट, हालांकि हजरत ऐसे करते थे। हम बड़े हैरान की खैरियत क्या फ़ोन आ गया, कौन है? अच्छा, ये एक अजीब हजरत पर गम का एक ऐसा वो, वरना आपको पता है कि इतनी उम्र का आदमी हो तो तदब्बुर आ जाए तो बंदा वैसी तामुल से संभाल लेता है। लेकिन ये एक ताल्लुक की बात थी कि अब्बा शहीद, हाथ एक दिन यूँ कांपे और सुना जी अच्छा, फिर फ़ोन रखा, पूछा क्या हुआ? आपने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कहा कि वो भाई अब्दुल बारी का इंतकाल हो गया। अच्छा, मज़े की बात उससे पहले मैंने रात ही को ख्वाब देखा था उस बारे में। मैंने वो अब्बा जी को सुनाया था फ़ौरन। मैंने कहा अब्बा जी मैं तो ख्वाब देखा था ये, कहते हो अच्छा, कहते हैं कि इंतकाल हो गया। उस वक़्त ये तासीन हमारा जो है ये पैदा होने वाला ही था, यानी 20 दिन के बाद फिर इसका भी जो है वो यानी विलादत हुई। तो अब्बा जी ने घर में नहीं बताया फिर मेरी अहलिया को भी, क्योंकि ये ऐसी कैफियत है कि उनको सदमा ना हो। तो फिर मुझे भी लेके कहा तुम भी साथ चलो। फिर वहाँ ज़ाहिर है कि तीसरा जनाजा जो है वो फिर मुझे मौका दिया गया, मैंने जनाजा पढ़ाया वहाँ चौधरी अब्दुल बारी साहब। और वहाँ पर जो फिर वो मैंने जैसे बताया ना कि मेहमान नवाजी जो है वो जो ताई जान पे ख़त्म थी, उन्होंने जो मोहब्बत और मेहमान नवाजी की तो वाकई दीद नहीं होती थी। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला जो है वो ताई जान के दर्जा बुलंद फरमाए। और यह ज़ाहिर है कि मैंने बताया 95 साल उम्र, पूरी एक सदी है, पूरा एक बाब है कि जो ख़त्म हो गया। तो इससे पहले हमारी अम्मी जान जो मेरी सास साहबा, उनका इंतकाल हुआ है, उस पर ही कभी बात करेंगे। और अलबत्ता बाकी आगे भाई चारों फौत हो चुके हैं, लेकिन उनकी दो की अहलिया भी, चौधरी अब्दुल सत्तार साहब और चौधरी अब्दुल गनी साहब की, दोनों की अहलिया ज़िंदा हैं। तो लेकिन यह है कि ये ताई जान दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह तबारक व तआला उनको गरीक रहमत करे, उनके वर्सा को सब जमील अता फरमाए। और अजीब बात यह कि चौधरी अब्दुल सलाम जो इनके बड़े बेटे हैं, नंबरदार जो हैं, वो उनकी जो है अहलिया का हफ्ते पहले इंतकाल हुआ, यानी ताई जान की बहू का हफ्ता पहले उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद ये सदमा आया, तो वह इस घर में दो बड़े सदमे आए। अल्लाह तबारक व ताला जो किफ़ायत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो नाजरीन ये था एक बहुत ही दिलचस्प रूहानी किस्म का किस्सा था, और अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए, और अल्लाह ताला हमें भी अपनी ज़िंदगियाँ संवारने की तौफीक अता फरमाए।